सो अब हम बात करने जा रहे हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। अब तक हमने ये समझा कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। ओके, सो अब इस रिफ्लेक्शन से का अपना एक लॉ भी होता है। लॉ को आप बोल सकते हैं कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसको फॉलो करने पर ही हम रिफ्लेक्शन का फिनोमिना ऑब्जर्व कर सकते हैं किसी भी सरफेस में। सो जो फर्स्ट लॉ कहता है ऑफ द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, आप कह सकते हैं या फर्स्ट कंडीशन जो हमारी यहां पे है वो कहती है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये पॉइंट ये बोलता है कि हमारी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से मतलब हमारा ये है जिस भी मीडियम में या जिस भी साइड से हमारी इंसिडेंट रे किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस को स्ट्राइक करती है, जिस पॉइंट पे वो स्ट्राइक करती है वो पॉइंट एज रेफर एज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इसको हम डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मिरर है यहां पे। ओके, हमारी एक इंसिडेंट रे आती है इस तरीके से और स्ट्राइक करती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ दिस मिरर लाइक दिस। तो स्ट्राइक करने के बाद क्या होगा, दैट इट विल गिव अ रिफ्लेक्टेड रे लाइक दिस, जिसको हम डिनोट करते हैं आर से। और जिस पॉइंट पे वो हमारी इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती है किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस को, उधर हमारा एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ हम करते हैं जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल, जिसको हम डिनोट करते हैं एन से। दिस इज योर नॉर्मल। सो फर्स्ट लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे विच इज दिस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये हमारा है, दिस इज आर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जिस भी जहां पर हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा या जिस भी मीडियम में हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा उसी में ही ये तीनों एक साथ लाई करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि फॉर एग्जाम्पल हमारी इंसिडेंट रे का जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वो इस मीडियम में है, लेट सपोज इट इज मीडियम वन एम वन और इसको बोलते हैं एम टू। ऐसा नहीं होगा कि मीडियम वन में अगर हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है तो मीडियम टू में हमारी रिफ्लेक्टेड रे होगी या फिर नॉर्मल रे होगी। हमारी तीनों ही रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। दिस इज आर इंसिडेंट रे, दिस इज आर नॉर्मल रे एंड दिस इज आर रिफ्लेक्टेड रे। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वो तीनों ही सेम प्लेन में लाई करेंगी। सो ये फर्स्ट कंडीशन है या फर्स्ट लॉ है हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का। सिमिलरली हमारे पास एक सेकेंड लॉ भी है और आप कह सकते हैं एक सेकेंड कंडीशन भी है जो कि इसी लॉ से एसोसिएटेड है। वो कहती है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कि एक इंसिडेंट रे जब भी आती है और स्ट्राइक करती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ऑफ एनी मिरर या एनी कर्व तो हमेशा हमें एक रिफ्लेक्टेड रे मिलती है, और जब वो स्ट्राइक करने के बाद हमको एक रिफ्लेक्टेड रे यहां पर वापस मिलती है इंसिडेंट रे से तो वो आपस में एक एंगल फॉर्म करते हैं। दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये होता है हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। सो ये जो दोनों ही एंगल हैं
एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये आपस में इक्वल होंगे. दिस इज द सेकेंड कंडीशन. सो दीज आर द टू कंडीशन ऑफ दिस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. सो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को स्टेट करें, देन यू हैव टू मेंशन दीज टू कंडीशन ओवर देयर. सो इंसिडेंट रे को अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आपको डिफाइन करने के लिए बोलू व्हाट इज इंसिडेंट रे, सो आप कह सकते हैं द इंसिडेंट रे द रे विच lies in the plane of incidence with respect to normal इंसिडेंट रे कौन सी रे होती है, द रे विच इज इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल. ओके ओके, दैट इज रेफर टू बी एज अ इंसिडेंट रे. सिमिलरली योर रिफ्लेक्टेड रे इज द रे विच इज रिफ्लेक्टेड बैक इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल. सो दैट इज योर रिफ्लेक्टेड रे. सो रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्टेड रे को भी वी कैन डिफाइन एज द रे विच इज रिफ्लेक्टेड बैक इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस with respect to normal. So that is our reflected ray. So this is our incident ray, that is a reflected ray. So and this is the law of reflection. I hope it is clear up till now. So this law of reflection holds good for all type of reflecting surfaces. ये जो हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है ये सभी टाइप के रिफ्लेक्टिंग सर्फेसिस के साथ प्रॉपर बिहेव करता है. फॉर एग्जाम्पल, सभी टाइप से मेरा मतलब है, लेट सपोज अगर हमारे पास एक स्ट्रेट प्लेन मिरर है यहां पे और एक हमारे पास प्लेन मिरर है जिसका जो सरफेस है वो अनइवन है लाइक दिस. सो हेयर ऑल्सो अगर यहां पर हमारी कोई इंसिडेंट रे आकर इस सरफेस को स्ट्राइक करती है इस प्लेन मिरर के लाइक दिस, देन वी विल गेट अ रिफ्लेक्टेड रे लाइक दिस. दिस इज अ इंसिडेंट रे एंड दिस इज अ रिफ्लेक्टेड रे. एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ओके, एंड दिस इज अ नॉर्मल. सो अगर प्लेन मिरर पर अगर हमारी कोई इंसिडेंट रे आकर स्ट्राइक करती है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यू विल गेट अ रिफ्लेक्टेड रे बैक लाइक दिस.
एंड जो भी एंगल होंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक रफ सरफेस हुआ, रफ सरफेस से हमारा यहाँ पे मतलब है एक ऐसा सरफेस जिस जो अनइवन है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कहीं पे अपहिल है, कहीं डाउन हिल है, फिर अपहिल है, फिर डाउन हिल है. अगर ऐसे किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे हमारी कोई इंसिडेंट रे आकर स्ट्राइक करती है, तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों से ये है दैट इस केस में हमको एक रिफ्लेक्टेड रे मिलेगी वापस या नहीं मिलेगी. इट इज प्रीटी मच ऑब्वियस जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा होता है दैट होल्ड गुड फॉर ऑल टाइप ऑफ रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस. ये मैटर नहीं करता कि हमारा रिफ्लेक्टिंग सर्फेस प्लेन है या रफ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा एक्ट करता है. अगर हमारे पास कोई इंसिडेंट रे आ रही है लाइक दिस, देन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट वी विल गोइंग टू हैव अ नॉर्मल लाइक दिस, और हमारे पास एक रिफ्लेक्टेड रे होगी लाइक दिस. जब जब हमारे पास इंसिडेंट रे होगी वी विल हैव अ रिफ्लेक्टेड रे, बट इन केस ऑफ रफ सरफेस हमारी सेकेंड कंडीशन कुछ बार मतलब देर आर सम टाइम्स कि हमारी जो सेकेंड कंडीशन होती है दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमेशा ट्रू नहीं होगी व्हेन वी हैव अ रफ सरफेस. बट जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है इस लॉ की दैट योर इंसिडेंट रे, योर नॉर्मल रे एंड योर रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस दीज थ्री विल लाई इन द सेम प्लेन. सो दैट्स अ इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट दिस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी जो इस लॉ के बारे में आपको जानना जरूरी था. यहां पर मेरा क्वेश्चन आपसे एक और है. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक प्लेन मिरर होता है यहां पर लाइक दिस, और उस प्लेन मिरर के सरफेस पे कोई इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर आके स्ट्राइक करती लाइक दिस, तो इस केस में क्या होता बेसिकली, मतलब रिफ्लेक्टेड रे कैसे बिहेव करती. लेट्स आंसर दिस क्वेश्चन. व्हेन एन इंसिडेंट रे strikes the reflecting surface of the plane mirror perpendicularly then the reflected ray will follow the same path as that of incidence. Or in simple words, you can say it will retrace its path back. अगर कोई भी इंसिडेंट रे हमारे प्लेन मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस को परपेंडिकुलर आके स्ट्राइक करती है, देन जो जिस डायरेक्शन से हमारी इंसिडेंट रे आके वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस को स्ट्राइक करेगी उसी डायरेक्शन में बेसिकली हमारे रिफ्लेक्टेड रे भी रिवर्स बैक एक्ट करेगी.
ऐसा क्यों होगा? बिकॉज द रीजन बिहाइंड इज दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोथ आर जीरो. अगर परपेंडिकुलर रे आके हमारे रिफ्लेक्टिंग सरफेस को स्ट्राइक करेगी तो इस केस में हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोथ विल बिकम जीरो. और बोथ अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे जीरो हो गए देन जो भी रे आके स्ट्राइक कर रही है दैट विल रिट्रेस इट्स पाथ बैक. जिस जैसे आ रही है वैसे ही वो वापस लौट जाएगी. सो दिस इज द कंडीशन इन सच अ केस. अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी टर्म्स की जिसको हम इस चैप्टर में काफी बार डिस्कस करेंगे. सो उस टर्म्स को डिस्कस करने से पहले भी उन टर्म्स को जानना हमें काफी जरूरी है. सो यहाँ पे मैंने कुछ टर्म्स ऑलरेडी लिस्ट डाउन करके रखी हैं जिसको हम काफी बार यूज करेंगे. सो लेट्स अंडरस्टैंड कि उनका मतलब क्या होता है. पहला है पॉइंट ऑब्जेक्ट. पॉइंट ऑब्जेक्ट एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है कि जिसका डायमेंशन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है. बेसिकली वो एग्जिस्ट करता है बट इट एग्जिस्ट इन वेरी 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 माइन्यूट फॉर्म. अगर हम डेफिनेशन की बात करें सो इट इज डिफाइंड एज एन ऑब्जेक्ट हुज डायमेंशन इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल और यू कैन से आर नेग्लिजिबल स्मॉल. इट इज वेरी पॉइंट साइज लाइक दिस कि उसका डायमेंशन इज वेरी स्मॉल. ऐसे सो ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट इज अ सोर्स ऑफ लाइट. अगर आपको रिमेंबर हो स्टार्टिंग में जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था वी डिफाइन ऑब्जेक्ट एज अ सोर्स ऑफ लाइट. एक ऐसा लाइट का सोर्स जिसका डायमेंशन नेग्लिजिबली स्मॉल हो उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट. सिमिलरली हमारे पास होता है एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट. एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका थोड़ा बहुत डायमेंशन एग्जिस्ट करता है. एन ऑब्जेक्ट हुज डायमेंशन इज क्वाइट लार्ज. इस चैप्टर में हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करेंगे बाय दिस सिंबल ऑफ दिस एरो. सो दिस इज अ सिंबल फॉर द एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट. सिमिलरली हम काफी बार टर्म यूज करेंगे इमेज का. सो व्हाट इज एन इमेज? सो एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्मड व्हेन लाइट रे कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट मीट और अपीयर्स टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन. इमेज बेसिकली यू कैन से अ रे ओके जो लाइट रे ऑब्जेक्ट से हमारे पास आ रही है उसके थ्रू जो हम ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं उसको हम इमेज कहते हैं. अब ये जो इमेज फॉर्म्ड होती है मे बी फॉर एग्जांपल एक प्लेन मिरर है लाइक दिस. लाइट रे आई इस तरीके से रिफ्लेक्ट हुई. इट बेसिकली मीट एट दिस पॉइंट. यहां पर वो दोनों लाइट रे आकर आपस में इंसिडेंट रे यहां पर स्ट्राइक करी और रिफ्लेक्टेड रे हमें मिली. इट बेसिकली मीट्स और अपीयर्स टू मीट इन ऑर्डर टू फॉर्म द इमेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट और ऑफ दैट थिंग इन आर आई. उसको हम बोलते हैं इमेज. सिमिलरली ये जो इमेज होती है ये दो काइंड की होती है. एक रियल होती है एक वर्चुअल होती है. जब भी लाइट रे एग्जैक्टली मीट करे इन ऑर्डर टू फॉर्म द इमेज ऑफ दैट थिंग देन वी विल नेम इट एज रियल इमेज. इट इज फॉर्म व्हेन द लाइट रे एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट. और वर्चुअल इमेज होती है जिसमें कि लाइट रे मीट नहीं होती. इट अपीयर्स टू मीट एट अ पॉइंट. यू कैन से इट डज नॉट meet at a point but it appears to meet. हमें ऐसा लगता है कि वो meet हो रही है but वो आपस में meet नहीं होती in order to form the image. उन type of उन those type of image को हम बोलते हैं virtual image.
सो जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ मिरर्स कॉनकेव और कॉन्वेक्स डिस्कस करेंगे या प्लेन मिरर डिस्कस करेंगे तो हम नेचर ऑफ इमेज वहां पे डिफाइन करेंगे जो कि होगी वर्चुअल होगी या रियल होगी. सो वर्चुअल और रियल से कंफ्यूज हमें नहीं होना. रियल वो होती है जो एक्चुअली मीट करती है आपस में और वर्चुअल वो होती है जो हमें अपियर होती है मीट होती हुई बट वो एक्चुअली मीट नहीं होती है. सो ये कुछ टर्म्स हैं विच यू हैव टू कीप इन नोट और यू कैन से कीप इन योर माइंड व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट मिरर्स इन डिटेल. सो अब हम बात करने जा रहे हैं लेटरल इन्वर्जन के फिनोमिना के बारे में. ये भी एक ऐसी टर्म है जिसको हम काफी बार डिस्कस करेंगे. लेटरली इन्वर्टेड अगर हम बोलते हैं कि जब भी हम किसी भी इमेज का नेचर डिफाइन करते हैं वी विल टेल वेदर इट्स वर्चुअल रियल लेटरली इन्वर्टेड और सो ऑन. सो लेट्स अंडरस्टैंड कि लेटरल इन्वर्जन होता क्या है. ओके सो लेट्स स्टार्ट. सो व्हेन एन एसिमेट्रिक object is placed in front of the plane mirror then the right side of the object appears to be left and similarly the left side of the object appears to be right. This kind of image formation we called as left-right inversion or lateral inversion. सो जब भी हम एक ऐसा एसिमेट्रिक ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं प्लेन मिरर के सामने तब उसकी जो राइट हैंड साइड होती है वो हमें अपीयर्स होती है देखने में मिरर में एज लेफ्ट हैंड साइड. राइट हैंड साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी एज लेफ्ट और सिमिलरली लेफ्ट साइड विल ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी एज द राइट. लेफ्ट साइड हमें कैसे दिखती है एज अ राइट साइड और इस काइंड ऑफ इमेज फॉर्मेशन को हम बोलते हैं लेफ्ट राइट इन्वर्जन और लेटरल इन्वर्जन. सो
काफी बार जब हम नेचर ऑफ इमेज को डिस्कस करेंगे हम बोलेंगे वहां पे लेटरली इन्वर्टेड, तो उसका मतलब यही होता है दैट लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी एज राइट एंड द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी एज लेफ्ट। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए लेट्स सी एन डायग्राम ओवर हियर। लेट्स सपोज हमारे पास एक प्लेन मिरर है लाइक दिस, उसके सामने वी हैव रिटन थ्री अल्फाबेट्स ए बी सी। सो लेटरली इन्वर्टेड के केस में इट विल अपीयर्स टू बी एस सी बी ए, लेफ्ट साइड विल बिकम द राइट वन एंड द राइट वन विल बिकम द लेफ्ट वन। सो दिस फिनोमिना इज नोन टू बी एज अ लेटरल इन्वर्जन। सो अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन इन अ प्लेन मिरर के बारे में इन डिटेल। We'll discuss the reflection phenomena in plane mirror in detail. So, pehle we will understand what is a plane mirror. So, a plane mirror is a highly polished surface. Ek aisa surface jo highly polished ho and used to reflect the light falling on it. Aur jo bhi light uspe fall hoti ho, usko reflect karta ho. And it is usually made by depositing a thin layer of silver metal on one side of a glass plane sheet. जब भी हमारा मिरर हम बनाते हैं तो मिरर का एक साइड तो हमारा होता है प्लेन जो कि होता है रिफ्लेक्टिंग साइड, और दूसरे साइड पर वी विल डिपॉजिट अ थिन लेयर ऑफ सिल्वर ऑन दिस ग्लास। ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसकी जो पॉलिशिंग है वो और फाइन हो जाए, जिससे कि जो भी लाइट रे इसको आके यहां पे स्ट्राइक करे इंसिडेंट रे लाइक दिस, दैट विल गिव अ परफेक्टली फाइन रिफ्लेक्टेड रे लाइक दिस। ओके, दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज योर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम बात कर रहे हैं रिफ्लेक्शन फिनोमिना इन प्लेन मिरर। सो रिफ्लेक्शन इन प्लेन मिरर, सो जब भी रिफ्लेक्शन फिनोमिना हम देखते हैं प्लेन मिरर में, ओके, सो लेट सपोज वी हैव अ पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट ओवर हियर, ओके, सो इट विल फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज लाइक दिस। जो इमेज होगी वो भी पॉइंट साइज ही होगी लाइक दिस। सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज और ऐसा कौन क्या बिहेवियर है जो कि जो भी इमेज हमारी प्लेन मिरर फॉर्म करता है, लेट्स सी। पहली चीज हमें पता चली जो इमेज फॉर्म होती है वो होती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये हमें कैसे पता चला कि जो इमेज यहां पे फॉर्म हो रही है वो एक्चुअली ऐसे फॉर्म नहीं हो रही ड्यू टू द मीटिंग ऑफ द लाइन दैट इज बीन रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द इमेज, ओके, वो एक्चुअली मीट नहीं हो रही है बट अपीयर्स टू मीट हो रही है, मतलब हमें लग रहा है कि वो मीट हो रही है बट वो मीट नहीं हो रही है आपस में, ओके। सेकेंड पॉइंट, जो हमारा ऑब्जेक्ट यहां पे प्लेस है और इमेज जो फॉर्म हो रही है वो इधर हो रही है मिरर के सरफेस पे, सो जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो इमेज के डिस्टेंस से इक्वल है। सो वी कैन से दैट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज
बिहाइंड द मिरर. ये हमको सेकंड चीज पता चली कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस पे हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस है मिरर के सामने, उसी डिस्टेंस पे उसकी इमेज फॉर्म हो रही है मिरर के दूसरी साइड पे. सो दैट्स अ सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ दिस रिफ्लेक्शन थ्रू अ प्लेन मिरर. ओके, थर्ड पॉइंट, द साइज ऑफ द इमेज is same as the size of object. जिस साइज का हमारी इमेज होगी उसी साइज का हमारा, जिस साइज का हमारा ऑब्जेक्ट होगा सॉरी, उसी साइज की हमारी इमेज भी फॉर्म होगी ऑन द प्लेन सर्फेस ऑफ द मिरर. ऐसा नहीं होगा कि हमारा ऑब्जेक्ट छोटा है तो इमेज बड़ी होगी, या फिर इमेज ऑब्जेक्ट बड़ा है तो इमेज छोटी होगी. जिस साइज का हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसी साइज की हमारी इमेज भी फॉर्म होगी. सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू द रिफ्लेक्शन इन प्लेन मिरर. अब हम बात करेंगे एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में. एंगल ऑफ डेविएशन, सो एंगल ऑफ डेविएशन एक ऐसा एंगल होता है जिससे हमारी इंसिडेंट रे अपने ओरिजिनल पाथ से मूव कर जाती है. अगर मैं साइंटिफिक डेफिनेशन की बात करूं, वी कैन से द एंगल थ्रू विच आर इंसिडेंट रे ऑफ लाइट डिविएट्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ when reflected from a mirror. So, इसको understand करने के लिए let's see a diagram over here. Okay. So, ये मैं diagram बना रहा हूं angle of deviation. via single plane mirror. सिंगल प्लेन मिरर, लेट सपोज हमारे पास एक प्लेन मिरर है यहां पर लाइक दिस. इस प्लेन मिरर पर हमारी एक इंसिडेंट रे इस तरीके से आती है, यहां स्ट्राइक करती है टू द पॉइंट ऑफ द नॉर्मल एंड इंसिडेंस. वी हैव अ रिफ्लेक्टेड रे लाइक दिस. So this is our incident ray I, and this is our reflected ray R, and it forms certain angle, जो कि हम बोल देते हैं X and X. So ये incident ray हमारी यहां से आई from a object, उसने आकर यहां पर strike करा reflecting surface of mirror का और bounce back हो गई like this in a form of reflected ray. But अगर हम एक्चुअली देखें यहां पे, तो ये इंसिडेंट रे हमारी इस तरीके से यहां पर आ रही थी. अगर हमारा ये सरफेस यहां नहीं होता और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा ये नहीं होता यहां पर, सो इट विल टेंड्स टू फॉलो द सेम पाथ लाइक दिस. होता कि नहीं होता, वो सेम पाथ में ट्रेवल करती स्ट्रेट, पर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि यहां पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस था और उससे हमारी रे रिफ्लेक्ट हो गई लाइक दिस. सो ये जो पाथ था ओरिजिनल पाथ से जितना हमारा इंसिडेंट रे डिविएट हो गई इन ऑर्डर टू गिव द रिफ्लेक्टेड रे, उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन. एंड इस केस में हमारा ये होगा एंगल ऑफ डेविएशन. दिस इज आवर एंगल ऑफ डेविएशन. सो लेट्स सी कि हम एंगल ऑफ डेविएशन कैसे निकालेंगे. सो एंगल ऑफ डेविएशन को हमेशा डिनोट करते हैं बाय द सिंबल डेल्टा.
दिस इज द सिंबल फॉर एंगल ऑफ डेविएशन. ये कहीं पर भी मेंशन हो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सीधा समझ जाओ ये एंगल ऑफ डेविएशन दिया हुआ है. अब थोड़े टाइम के लिए इस पोर्शन को भूल जाओ. अगर हम इस पोर्शन को थोड़े टाइम के लिए भूल जाएंगे तो हम इस तरीके से देखेंगे तो हमको ये एक स्ट्रेट लाइन की तरह अपीयर होगी. होगी कि नहीं होगी? दिस इज द स्ट्रेट लाइन और इस लाइन के अलोंग ही वी हैव आर एंगल्स. सो अगर मैं आप लोगों को यहां पर डेल्टा निकालने के लिए बोलू, यू फाइंड डेल्टा विच इज एंगल ऑफ डेविएशन, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? दिस होल एंगल इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन कितना होगा? 180 डिग्री. अब इसमें से हमें डेल्टा निकालना है तो सीधा सब्ट्रैक्ट कर लो, माइनस 2x. 2x क्यों करा? ये इंसिडेंट रे का एंगल और ये रिफ्लेक्टेड रे का एंगल, ये हमने x-x लिया हुआ था, सो ये हमारा हो गया 2x. अगर हम इस 180 डिग्री में से ये 2x निकाल देंगे तो हमारे पास जो एंगल बचेगा वो होगा एंगल ऑफ डेविएशन. सो यही वो एंगल है, इसी एंगल की वजह से हमारी जो इंसिडेंट रे है वो हमारी इंसिडेंट रे अपने ओरिजिनल पाथ से मूव हो गई इन ऑर्डर टू गिव द रिफ्लेक्टेड रे. सो दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन.